आप लोग का महिला तूफान फूड चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सासू माँ की बहुत ही रुचिकर रेसिपी है और उन्हें बनाने में ये बहुत अच्छा लगता था और ये रेसिपी बहुत अच्छी है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है तो मैं उन्हीं से ये रेसिपी सीखी हूँ, तो मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मटर को मैं छील ली, उसके बाद छीलने के बाद मटर में भी थोड़े कीड़े वगैरह कुछ रह जाते हैं, इसलिए मैं पानी से अच्छे से धो के और छान ली मटर को। तो इस तरह से मेरा मटर अब बनने के लिए हो गया है तैयार। अब मैं कढ़ाई में तेल डाली हूँ, सरसों का ऑयल है दोस्तों, और आप बटर घी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर सरसों का ऑयल हमेशा रहता है, मैं इसे ही यूज कर ली। और अब मैं इसमें लहसुन डाली हूँ, एक पोट करीब है, छील के डाली हूँ। उसके बाद अदरक मैं डाली हूँ, आप भी अदरक थोड़ा सा डाल लें, और हरा मिर्चा दो ली हूँ। और इसे मैं थोड़ी देर भूनूंगी और जब ये भुन जाएगा तो मैं मटर जो छील के धो के रखी थी मैं डाल दूँगी, और इसमें हल्का सा नमक और हल्का सा चीनी डाल दूँगी और ढक दूँगी। इस तरह से कलर मटर का बना रहेगा और अच्छे से पक जाएगा। अब लगता है कि मटर जो है वो पूरी तरह से पक गया है, तो मैं चेक करूँगी तो मटर पक गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसे मिक्सी में पीस लूँगी थोड़ा पानी डाल के, और बहुत ज़्यादा महीन नहीं, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं पीसना है, मतलब कि दाल जैसा पीस लेना है। उसके बाद फिर मैं सरसों का ऑयल थोड़ा सा डाली हूँ, जीरा तेजपत्ता का फ़ौरन दी हूँ, और जीरा तेजपत्ता का फ़ौरन देने के बाद दोस्तों मैं प्याज डाल दी। तो आप अगर छोटा प्याज है तो दो प्याज लें, बड़ा प्याज है तो एक से काम चल जाएगा, और फिर प्याज डाल दें। और प्याज भी आपको थोड़ी देर भूनना है जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए, थोड़ा सा भूरा भूरा हो जाए, दिखने लगे, मतलब थोड़ा सा अच्छा भून जाए, तो उसके बाद इसमें आप ऐड कर सकते हैं मसाले। तो डायरेक्ट मसाले मैं नहीं डालूँगी, जल जाएगा, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दी। उसके बाद मैं एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गोलकी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ, और इसमें मैं गर्म मसाला भी ऐड करूँगी। और इस तरह से मैं मसाले को भी 2-3 मिनट भूनूंगी, ढक के भी भूनूंगी, ऐसे ही भूनूंगी, मतलब अच्छे से भूनूंगी। वैसे मेरा मसाला तो पहले से ही थोड़ा सा पका हुआ अच्छा रहता है, क्योंकि मैं जीरा पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर को मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो कैसे, मैंने धो के धूप में सुखाती हूँ, उसके बाद तवे में रोस्ट करती हूँ, भून लेती हूँ हल्का, और उसके बाद मिक्सी में पीस लेती हूँ। इस तरह से घर का मसाला है, बहुत ही फ्रेश, सुगंधित है, अच्छा है, तो आप भी घर पे ऐसे मसाला बना सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें जो मैं मटर को पीस के रखी थी मैं वो ऐड करूँगी, और इसे भी मैं यहाँ पे 2-3 मिनट अच्छे से भूनूंगी, पकाऊँगी, ठीक है। और जो पानी मिक्सी में बचा हुआ था वो भी मैं धो के ले ली, क्यों वेस्ट करूँगी। उसके बाद मैं नमक भी ऐड कर दी। अब इस तरह से आप चलाते रहें, 5 मिनट मतलब लग ही जाएगा, लेकिन आप 5 मिनट चलाएं, 2 मिनट चलाते रहें। उसके बाद आप इसे कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं, कितना पतला रखना चाहते हैं, जैसे कि परिवार अगर जाते हैं तो, या पसंद है आपको पतली दाल तो आप पतला रह के पानी और ऐड कर दें। अगर थोड़ी सी ग्रेवी वाली मोटी दाल चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा दाल चाहिए, तो आप इसे में कम पानी ऐड करें। तो ये पूरा आप पे निर्भर करता है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप दाल बना सकते हैं। आपको अगर थोड़ा खट्टा भी पसंद है इसमें तो आप थोड़ा सा टमाटर एक पीस के या काट के, बहुत महीन बारीक काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड की हूँ, और मैं इसी तरह दाल बनाई हूँ। ये दाल थोड़ा सा मीठी भी लगेगी क्योंकि इसमें मटर का टेस्ट है, और थोड़ा सा मैं मसाला ऐड की हूँ तो थोड़ी सी तीखी भी लगेगी। तो इस तरह से मेरी रेसिपी हो रही है कंप्लीट। अब बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और रेसिपी शेयर करने की हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और इस तरह से काम करने का जज्बा जो हमारा है वो बना रहता है। और ये दोस्तों मेरा नया चैनल है, तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से दाल की रेसिपी हो रही है कंप्लीट। इस तरह से दाल आप बनाएंगे तो आपकी सासू माँ हो जाएगी खुश, और पूरे परिवार मिलजुल के खाएंगे। तो 2 मिनट इस तरह से ढक के आप पकाएं। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मोटी दाल नहीं रखी हूँ, मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। यही अगर आप 5-स्टार होटल में जाएंगे ऐसी दाल मिलेगी, तो इसकी कीमत दोस्तों कितनी होगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से आप वीडियो में शुरू तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हेल्दी खाएँ, हेल्दी रहें, मस्त रहें। थैंक यू।